होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी भी एक बड़ी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म जगत के माने जाने हस्ती और फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार फिल्म अभिनेता और पूर्व में सांसद रहे गोविंदा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। गोविंदा की इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से सियासत में ग्लैमर की एंट्री की चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से गोविंदा की इस मुलाकात ने सियासी गलियारे में एक बार फिर से हलचल मचा दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में गोविंदा के इंदौर सीट से चुनाव लड़ने या फिर चुनाव प्रचार में कांग्रेस का साथ देने की चर्चा जोरों पर हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बॉलीवुड के नामी ग्रामीण हस्तियों में शामिल एवं सुपरस्टार फिल्म अभिनेता सलमान खान को इंदौर सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, जिसका स्वयं सलमान खान ने खंडन किया था। सलमान खान के बाद अब गोविंदा को इंदौर सीट से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। मगर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे गोविंदा ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। गोविंदा ने कमलनाथ से मंत्रालय में मुलाकात की है। कमलनाथ से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा कि वह व्यक्तिगत काम से आए थे। जब गोविंदा से पूछा गया कि क्या कमलनाथ के साथ वह दोबारा काम करेंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि वह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने आया है। यह मुलाकात पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। वहीं आपको बता दें कि गोविंदा ने कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें इंदौर सीट से लोकसभा मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इंदौर लोकसभा सीट पर किसी पॉपुलर चेहरे को चुनाव लड़ाने का मन बना रही है, लेकिन गोविंदा ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वह दोबारा अभी राजनीति में कदम नहीं रखना चाहते हैं। उनकी यह मुलाकात एक आपसी मुलाकात थी। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा के कमलनाथ से पुराने संबंध रहे हैं। कांग्रेस के सरकार के दौरान कमलनाथ जब उद्योग मंत्री रहे उस समय गोविंदा कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ और गोविंदा के बीच काफी नजदीकियां हुई थी। आपको बता दें कि गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई सीट से 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को उत्तर मुंबई सीट से हराया था और इसी सीट पर इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने बॉलीवुड की सुपरस्टार और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया है। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।